सबसे पहले घी को गरम कीजिए और टमाटर, प्याज, जीरा डाला, हरी मिर्च, अब इसमें जीरा डाला, जीरा भुना इसको देखिए। ये बिरयानी बनाने की विधि है, बटन बिरयानी। अब इसमें तेज पत्ता डाला गया है खड़े मसाले डाले और सब खड़े मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। अभी तेज पात के पत्ते जो हैं इसमें भुनना है। अब इसमें प्याज डाली गई, अब प्याज को भूनना है बहुत हल्के आँच से, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाए सूख। इसमें लाल, इसमें हरी हरी मिर्ची जो है स्लाइस में काट के पीस ली, वो डाल दी गई। अब देखिए ये हल्का हल्के लाल हो रहा है, और फिर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टमाटर डाल दिए गए, अब इसको बहुत हल्के हल्के चलाते रहें जिससे जल नहीं जाए। कितना अच्छा मसाला बना हुआ है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है, उसको चला लिया। बहुत हल्की आंच में इसको भूनना है। देखिए कैसे फ्लेवर उड़ रहा है इसका। ये रामपुरी बिरयानी है। अब एक चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दिया, आधी चम्मच सौंफ पिसी हुई, देखिए फ्लेवर देखिए। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये इसलिए है कि इसे कलर अच्छा कलर आए। अब ये तेल छोड़ने लगा है मसाला, इसे पीस डालेंगे मटन से उबले हुए बॉइल्ड। ये रामपुरी बिरयानी है, रामपुर की शान और रामपुर की बहुत ही फेवरेट लोगों की। अब इसमें नमक डाल दिया गया है, ये स्वाद के अनुसार जैसा सही लगे, अपने बीपी को ध्यान रखते हुए। देखिए हल्का क्यों पक रहा है, और इसमें इसके बाद जो है इसका ढक्कन लगा के और इसको मटन को अच्छी तरह से गला लें, और आधे घंटे से भीगे हुए चावलों को तैयार रखना है। कम से कम आधा घंटा भीगे होने चाहिए चावल, जिससे अच्छी तरह से ये गल सकें।
और इसका देखिए फ्लेवर कितना शानदार फ्लेवर है इसका, और खुशबू भी इसकी जो है वो महसूस कर रहा होंगे आप, आ रही होगी आपके पास। और नहा धो के खाइए, नहाने के बाद ही अच्छी तरह से। एक मिनट, जो चावल जो थे आधे घंटे से भिगे हुए थे, अब वो चावल इसमें डाले जा रहे हैं बिरयानी के लिए। देखिए आंच को हल्की कर दें, धीमी। कितनी आ रही है आपके ये चार लोगों के लिए? ये चार लोगों के लिए है, 4 पर्सन। अब इसको चला लें, अच्छे से मिला लें खूब। अब इसमें पानी डालें, अब इसका ढक्कन बंद कर एक सीटी लगाएं सिर्फ, और जब ये तैयार हो जाए तो इसे एक सीटी लगने के बाद गरम गरम सबको खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। शेफ का नाम है मिसेस बन्ना सक्सेना फ्रॉम रामपुर यूपी, और कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें, कोई दिक्कत हो तो। ओके, गुड बाय। अब ये लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसमें ये मिक्स रेड कलर के कलर्स वाले चावल हैं जो पहले ही अलग से बनाए गए हैं, जिसमें लाल इसमें खाने वाला रंग जो है मिला दिया गया है और इनको पका लिया गया है। अभी मिक्स इसमें करे जा रहे हैं अलग से, जिससे इसमें जो है वो कलर और टेस्ट इसका बदल जाए इसका। देखिए इसे मिक्स करा जा रहे हैं, इसको मिक्स हो रहा है बिरयानी को, रामपुर की स्पेशल बिरयानी। कृपया नहा धो के खाएं। देखिए फ्लेवर देखें, देखिए अब ये बनके तैयार हो चुकी है, और ये आप इसको जो है परस सकते हैं। हाँ, इसमें डोगे में करा जा रहा है इसको। दोस्तों बहुत शानदार है ये, इसका टेस्ट ही बहुत ही गजब का। ये हैदराबादी और लखनऊ बिरयानी से भी के मुकाबले की बिरयानी है ये, रामपुरी, रामपुर की स्पेशल। ठीक है दोस्तों, इसका फिर एंजॉय कीजिए, इसको बनाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो इस पर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं पूछने के लिए। ओके बाय, टेक केयर, बाय।
ये है शेफ बंदा।